हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज फ्रेंड्स, मैं जो आपके लिए एक योजना लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण योजना, उस योजना का नाम रहने वाला है माँ योजना। क्या रहने वाला है योजना का नाम? क्या है? माँ योजना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि माँ योजना होती क्या है, अपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर कितने तरीके की माँ योजना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि चिकित्सा संस्थान के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंदर दो तरीके की माँ योजना है। एक तो माँ योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके बारे में आप सभी जने जानते हो, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी जो योजना अभी नई लेटेस्ट आई है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, उसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना जो है, उस नाम से इस योजना को जाना जाता है। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। अब होता क्या है इस योजना के अंदर, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसका शुभारंभ कब हुआ है। इस योजना का आपका जो शुभारंभ जो है, शुभारंभ कब हुआ है तो आप सभी को बताना चाहिए। इसका शुभारंभ जो है बच्चों, वो हुआ है 8 मार्च 2024 को इसका शुभारंभ जो है, शुभारंभ हुआ है। और सबसे पहले जब योजना आई थी तो 8 मार्च 2024 का इसका शुभारंभ हुआ था, तो इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया। किसके तहत लॉन्च किया गया? एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया, जिसका निष्कर्ष देखा गया कि वास्तविकता में ये योजना प्रभावी होती है या नहीं होती है, ठीक है ना। तो फिर रिजल्ट निकला, ये योजना बहुत अच्छे तरीके से क्या हुई, प्रभावी हुई। तो सबसे पहले जिन 3 जिलों के अंदर इस योजना को लागू किया गया, वो 3 जिले कौन कौन से हैं आपके? एक तो है बारा, दूसरा है भरतपुर और तीसरा है फलोदी। 3 जिले कौन से हैं आपको सभी को बता होना चाहिए, बारा, भरतपुर और फलोदी, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बजट, ठीक है, कितना बजट सालाना इसके ऊपर जो 10 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद इस योजना को अप्रैल 2024 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया। क्या किया गया बच्चों? इस योजना को अप्रैल 2024 से पूरे प्रदेश जो है, उस पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया गया, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, जो आपका माँ वाउचर योजना है उसका उद्देश्य क्या है, तो आप सभी को बताना चाहिए कि माँ वाउचर योजना जो है उसका उद्देश्य ये है कि आपका चिकित्सा संस्थान के ऊपर 9-18-27 तारीख को जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मनाया जाता है, क्या मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मनाया जा रहा है, उसको क्या करना, बढ़ावा देना है। क्या करना है? जिसमें 9-18-27 तारीख को गर्भवती महिला आती है, जिसका ANC पूरी तरीके से चेकअप किया जाता है, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। और इसके साथ साथ में जो आपका मातृ मृत्यु दर है, जो आपका शिशु मृत्यु दर है, उसे क्या करना है आपको, कम जो है वो कम करना है। क्या करना है? जो आपका शिशु मृत्यु दर जो है, जो मातृ मृत्यु दर जो है, मतलब MMR जो है, NMR जो है, IMR जो है, उसे क्या करना है बच्चों, कम जो है वो कम करना है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो उद्देश्य रहने वाला है। अब होगा क्या इस योजना के तहत, इस योजना के तहत जो गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला के सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या है, दूसरी और तीसरी तिमाही जो होती है उसके अंतर्गत एक निशुल्क, क्या बोला मैंने, एक निशुल्क सोनोग्राफी की जाएगी। क्या की जाएगी? एक निशुल्क सोनोग्राफी की जाएगी। एक्चुअल में होता यह है बच्चों कि गांव है, गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, जहां चिकित्सा अधिकारी जी बैठे हुए हैं, तो उस हॉस्पिटल के अंतर्गत अगर सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है तो लेडी क्या करती है, सोनोग्राफी करवाती नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, वो लेडी कहाँ पहुंचेगी, 9-18-27 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के दिन कहाँ पहुंचती है वो लेडी, उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचेगी और 9-18-27 तारीख को उसकी जांच होती है, ANC चेकअप के लिए जाती है। फिर वहां से दूसरी और तीसरी तिमाही के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी जी तय करेंगे किसकी सोनोग्राफी करवानी है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वहां से एक ई कूपन जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, ई कूपन जनरेट करेंगे। और ई कूपन जनरेट करने के बाद वो लेडी उस ई कूपन को लेके जो उसका नजदीकी सूचीबद्ध, क्या बोला मैंने, नजदीकी सूचीबद्ध, ठीक है, जो संस्थान है उस संस्थान के ऊपर जाएगी, ठीक है ना, और जो जहां सोनोग्राफी होती है, कहने का मतलब, ठीक है ना, जहां सोनोग्राफी होती है वो नजदीकी सूचीबद्ध हॉस्पिटल के अंदर वो जाएगी, ठीक है ना, और उसको क्या करना, वो ई कूपन वहां पे देना है, ठीक है ना। और ई कूपन देने के बाद आगे वाला इंसान क्या करेगा, हॉस्पिटल संस्थान क्या करेगी, उस ई कूपन के अंदर QR कोड जो होगा उसको क्या करेगी, स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद एक OTP जाएगा, ठीक है। OTP किसके ऊपर जाएगा, जो आपने PCTS, जो आपका PCTS सॉफ्टवेयर है, उस PCTS सॉफ्टवेयर के अंदर अंतर्गत जो आपने मोबाइल नंबर डाल रखा है,
ठीक है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्या जाएगी, एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी जैसे देंगे, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन आपकी एक सोनोग्राफी जो है सोनोग्राफी हो जाएगी। बात समझ में आई? यानी इतनी किसी भी नजदीकी संस्थान के अंदर जा सकते हो, भले वो राजकीय संस्थान हो सकता है या कोई निजी संस्थान जो है, निजी संस्थान भी हो सकता है, ठीक है, वो सूचीबद्ध हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत आना चाहिए और अधिकृत होना चाहिए सरकार के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये चीज इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। सेकंड चीज इसके अंदर क्वेश्चन ये आ जाता है अपने अंदर, डाउट एक सभी के अंदर ये आता होगा, जैसे कि 18 तारीख लेडी चेकअप कराने गई थी, ठीक है, उसको 18 तारीख को क्या किया, वो ई कार्ड जो है, जो क्यूआर कोड जो है वो दे दिया, ठीक है, और लेडी किसी कारणवश 30 दिन के अंतर्गत नहीं गई, यानी कि एक महीने के अंतर्गत नहीं गई, तो उसको क्या करना है, उसी एक महीने के अंतर्गत जाके उसी चिकित्सा संस्थान में जाके उस चीज को ई कार्ड जो है उसको एक्सटेंड कराना है। क्या कराना है, एक्सटेंड जो है वो एक्सटेंड कराना है, वो लेडी उस ई कार्ड को एक्सटेंड एक बार करा सकती है, बार बार एक्सटेंड नहीं करा सकती। बात समझ में आ गई? तो ये थी आपकी पूरी माँ योजना, ठीक है ना। अगर आपका आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।